सो हाय गाइज, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपको द अल्फा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं हिंदी का सेकंड चैप्टर 20 के दांत का ऑल एग्जिप्टिव लेकर आया हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये रहा पहला प्रश्न, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद्र और डी नलिन बिनोचल शर्मा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता और सी रजनी का पिता और डी शेफाली का पिता। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मदन का पिता। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत को तोड़ डाला था? ए 3 और बी 1 और सी 2 और डी 4। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी 2। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, नलिन बिनोचल शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ए पद्मावती शर्मा और बी कलावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा और डी इंद्रावती शर्मा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी, रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, नलिन बिनोचल शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया। ए राजनीतिकता का, बी मनोवैज्ञानिकता का, सी सामाजिकता का और डी इनमें सभी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी, मनोवैज्ञानिकता का। क्वेश्चन 6 को देखते हैं, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। जो मोटर कार था उससे किसको खतरा हो सकता था? ए ड्राइवर से और बी मदन से, सी खोखा से और डी इंजीनियर से। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, खोखा से। क्वेश्चन 7 देखते हैं, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बंगला का और डी हिंदी का। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, बंगला का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब और डी सोफार। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी, सेन साहब। क्वेश्चन 9 को देखते हैं, खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ होता है ए बच्चा बच्ची, बी बाबा दादी, सी भाई बहन, डी चाचा चाची। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा बच्ची, ये अर्थ होता है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं, खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है? ए किसु, बी कुसु, सी कासु, डी केसु। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, कासु। क्वेश्चन 11 देखते हैं, 20 के दांत कैसी कहानी है। जो कहानी 20 के दांत है वह कैसी कहानी है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन 12 देखते हैं, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब ने अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर और डी डॉक्टर। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन 13 देखते हैं, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। मदन जो था वो अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन सी खोखा, ऑप्शन डी पिता। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी, पिता के हाथ से पिटाता था। क्वेश्चन 14 देखते हैं, नलिन बिनोचल शर्मा के पिता का नाम क्या था। जो नलिन बिनोचल शर्मा जी थे उनके पिताजी का क्या नाम था? ए पंडित रामावतार शर्मा, बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा और डी पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, पंडित रामावतार शर्मा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब जी ने किसे खूब फटकार लगाई? ए गिरधरलाल को, बी खोखा को, सी मदन को, डी शेफाली को। इसका आपका राइट आंसर 15 का ए,
गिरधरलाल को। क्वेश्चन 16 देते हैं, बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं? बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ए निम्न वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी मध्य वर्ग को और डी व्यापारी वर्ग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 के सी मध्य वर्ग के। क्वेश्चन 17 देखते हैं, कासु मदन के साथ किसे खेल में शारीरिक होना चाहता था? कासु जो था मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में और डी लट्टू के खेल में। इसका राइट आंसर होगा 17 के डी लट्टू के खेल में। क्वेश्चन 18 देखते हैं, सेन साहब किसके बैंक से अटककर रह गए? सेन साहब जो थे वो किसके बैंक से अटककर रह गए थे? ए पत्रकार महोदय के बैंक से, बी मुखर्जी साहब के बैंक से, सी सिंह साहब के बैंक से और डी गिरधरलाल के बैंक से। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए पत्रकार महोदय के बैंक से। क्वेश्चन 19 देखते हैं, मदन की उम्र क्या थी? मदन जो था उसकी उम्र क्या थी? ए 5-6 साल, बी 7-8 साल, सी 3-4 साल और डी 9-10 साल। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए 5-6 साल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था वो किसका पुत्र था? ए सेन साहब, बी गिरधर, सी सोफर, डी सिंह साहब। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी गिरधर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? ए सन 1958 ईस्वी में, बी सन 1957 ईस्वी में, सी सन 1963 ईस्वी में और डी सन 1959 ईस्वी में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी सन 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन 22 देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? ए 14 जनवरी 1915 को, बी 18 फरवरी 1916 को, सी 22 मार्च 1917 को, डी 24 अप्रैल 1918 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 18 फरवरी 1916। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन जो शर्मा जी थे उनका मृत्यु कब हुआ था? ए 12 सितंबर 1961, बी 14 सितंबर 1961, सी 16 सितंबर 1961 और डी 18 सितंबर 1961। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 के ए 12 सितंबर 1961। क्वेश्चन 24 देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए गांधी घाट पटना, बी कृष्णा घाट पटना, सी बदर घाट पटना, डी रानी घाट पटना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 के सी बदर घाट पटना। क्वेश्चन 25 देखते हैं, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? ए रामावतार शर्मा, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी नलिन बिलोचन शर्मा। 26 देखते हैं, लड़कियाँ क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं, किसे इस बात पर गर्व है? ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को और डी माता पिता को। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी माता पिता को। क्वेश्चन 27 देखते हैं, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवों की जमात जो था उसमें शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ए कबूतर, बी हंस, सी बतख और डी मछली। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 के बी हंस। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार और डी गिरधर के अनुसार। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 के बी खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थीं? सेन साहब जी थे उनकी कितनी लड़कियाँ थीं? ए 3, बी 6,
सी पाँच और डी चार। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी पाँच। क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन है, सफर शब्द का अर्थ है, सफर शब्द का अर्थ है ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्माता और डी ड्राइवर। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।